मुझे सोनार की दुकान से कितना बड़ा गिफ्ट मिला है, तो कृति भी एक्साइटेड है कि इसके अंदर क्या होगा क्या होगा। और आप लोग ये कारपेट बिछा, इतना अच्छा ये थैला है, देखो पहले तीन बैग। रोज रोज हम बढ़िया बढ़िया खाना खाएं। उनकी कान में तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट आशीष भाई करने जा रहे हैं आज। तो आता है भाई, सब लोग पार्टी का एंजॉय कर लिए एनिवर्सरी का, लेकिन हम ही लेट हो गए हैं। YouTube चैनल पे इन सबको देखो, सब लोग कैसे खड़े होकर देख रहे हैं कि इसके अंदर मुझे सोनार की दुकान से कितना बड़ा गिफ्ट मिला है। तो कृति भी एक्साइटेड है कि इसके अंदर क्या होगा क्या होगा। और आप लोग ये कारपेट बिछा देना चाहिए किट्टू, तुमको अच्छा नहीं। मेरे पास कारपेट नहीं, कोई गिफ्ट दे, मतलब कि वैसे दरीवा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं, ये देखो इतना अच्छा थैला है, इतना अच्छा ये थैला है, देखो पहले तीन बैग है। और सबसे सुंदर गिफ्ट इसमें ये है, देखते हैं नहीं चाकू। ज्वेलरी वाले शॉप की दुकान से किट्टू ने इतना ढेर सारा गिफ्ट लिया, मतलब इतना ढेर सारा सामान लिया भैया ने, भर भर के सामान लिया। आइए दिखाते हैं ज्वेलरी शॉप से क्या क्या मिला। गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी अनबॉक्सिंग करने वाली है। ये क्या इसमें से निकला है? सोनार के दुकान से आया है ये घड़ी यार, गजब घड़ी निकला यार, सोना चांदी बोल के धोखा हो गया। आया सब अपने नाम पर डाल रखे हैं, प्रचार करवाएंगे ना अपना, चार लोग जानते हैं ऐसे रहेगा ना। ये चल ठीक है रख, थैंक यू, ब्लॉग देखते हैं जरूर। हाँ ये पानी फिल्टर है, ये तो शॉल होगा हम बोल रहे हैं, ये भी वही है क्या? अरे इसका स्टैंड है क्या? घड़ी तो रहे क्या जी? ये घड़ी नहीं, हर कमरे में लगा दो घड़ी, तो है प्रेस घड़ी है ये, इसमें अब काम क्या फायदा, आज तो खर्ची नहीं है, नहीं कोई इमरजेंसी के लिए रहता है ना। चलो हमारा प्रेस भी कल बड़ी था एकदम, बहुत सामान लेके आई किट्टू, तो यार ज्वेलरी शॉप से क्या बात है, बढ़िया फायदा हुआ। नहीं वो हमको किट्टू, हम भी आगे उनको भी देंगे ना। ये क्या है, तस्वीर है, कैलेंडर है क्या? किसने यार गजब कैलेंडर है, राम आएंगे तो आएंगे ना सजा से गाओ, वो सब्सक्राइबर भाग जाएंगे। जी भाई आपके लिए राम, रोज रोज हम बढ़िया बढ़िया खाना खाएं। धन्यवाद, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू, भगवान तुम्हारी भी एनिवर्सरी जल्दी लाए। आने वाली हमारी जुलाई में, जुलाई। आप लोग कल कब निकलेंगे? हम तो गाड़ी में हैं। बक चार सौ बाट ए लॉन्ग टाइम। हाँ चार साल हो गए, ऐसा लग रहा है अभी अभी हुई हो ना। ऐसा तो लग नहीं रहा है कि अभी अभी हुई, काश अभी भी होता तो बहुत अच्छा होता। अभी होता तो बहुत अच्छा होता, पता नहीं कि पहले हो गया। तो अभी पांचवी एनिवर्सरी बढ़िया मना लेना, दोबारा शादी कर लेना गांव से। नहीं हम अपना हर साल मनाते हैं, अच्छे से मनाते हैं, हल्दी मेहंदी सब मनाते हैं, पर इस बार सबका इवेंट इतना जल्दी जल्दी है कि मैं क्या करूं। हां सही बात है, तो इसलिए अब 5 साल पे करेंगे गांव से। पिछली बार बाबू पेट में होगा, इस बार बाबू आ गया। पांचवे साल में शादी का कार्ड छपेगा, बारात उठेगा, साथ फेरे लगेंगे, नहीं सब होगा। इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा, इतना नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। बारात निकाल लेना, फेरे मत कराना, बस रिवर्स फेरे करा लेंगे, रिवर्स। अरे वाह, वेरी गुड, नया कंटेंट, रिवर्स फेरे, नया कंटेंट, अपने अपने सारे प्रतिज्ञा में वापस लेता हूँ। आप सब लोगों को जैसा कि पता है कि आज है हमारी एनिवर्सरी, और एनिवर्सरी है तो किट्टू रानी मेकअप न कराए, कुछ लुक क्रिएट न करें, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप सब लोग इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हो, और इतना ज़्यादा हम लोग को क्या होता है ना कि हर बार कुछ एक नया लक्ष्य हम लोग हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी हमने मेकअप कराया है कुछ ना कुछ डिफरेंट हम लोग रखते हैं, लेकिन अभी बार हमने सोचा क्या डिफरेंट रखें, क्या डिफरेंट रखें। आशीष भाई कुछ नया करने जा रहे हो अब की बार?
आशीष भाई पता नहीं ए भाई अभी देखते हैं। अरे यार तुम अभी देखते हो बोलोगे तो हमारा व्यूअर्स क्या बोलेगा। तो कितना नहीं आप क्या करके मारोगे आज, किस टाइप का मेकअप आज आप करा रहे हो एनिवर्सरी पे बताओ। तो अभी तक आप सब लोगों के लिए सरप्राइज था, अभी हम लोग ग्रैंड पार्टी करने जा रहे हैं और सब लोग तैयार हो रहे हैं। सचिन भाई देखो कितना ढेर सारा सामान खरीद के लाए हुए हैं ग्रैंड पार्टी के लिए। भाई को बोल रहे हैं इसमें से जो पसंद है ले लो। हाँ देख रहे हो जो पसंद है ले लो। यहाँ पे ओपन ऑप्शन रखा हुआ तो पहले इनके आई का मेकअप किया जा रहा है। मेरे ख्याल से शायद आज स्मोकी लुक नहीं देंगे सच, लेकिन आज कुछ ब्लैकिश ड्रेस है तो स्मोकी तो रहेगा ही क्योंकि उसके बगैर तो अच्छा लगेगा नहीं इनके आँख। क्यों आशीष भाई क्या चाहते हो? अभी देखते हैं बने रहना है। आशीष भाई शादी कब कर रहे हो तुम? कल। अरे वहाँ बहुत ढेर सारा कॉमेंट आया था कि आशीष को कोई लड़की वड़की के लिए कुछ अप्रोच किया जाए। क्यों आशीष भाई पता नहीं। हाँ तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट आशीष भाई करने जा रहे हैं। आई थिंक वेरी 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 डिफरेंट लुक। वेरी नाइस आशीष भाई वेरी गुड किट्टो यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस ब्यूटीफुल माइंड ब्लोइंग लवली। बंद करो भाई सब लोग पार्टी का एंजॉय कर लिए एनिवर्सरी का, लेकिन हम ही लेट हो गए। मुझे लगा दूसरा वाला पिज्जा ज्यादा अच्छा था ना? नहीं। तो गाइस किट्टो ने ड्रेस वियर कर रखा लेकिन हम दिखाएंगे कुछ टाइम बाद जलवा आपको, पहले हेयर स्टाइल। आशीष ऋषभ को दिखा दो कम गरम गरम लग रहा है एकदम। हमको तो नहीं लग रही सुंदर आज। मेकअप का तुम लाल नहीं देते। Thank you.
और इसके बाद इसमें पता है मेरे पास ना ब्रेसलेट में ब्लैक कलर का ढूंढे थे, पर आप लोगों को पता नहीं मैं किस चीज का बनाई हूँ। और ये मेरा रहा मेरे एनिवर्सरी का गाउन, कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। मुझे तो कैसा लगा मेरा लुक, कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट चेक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।